ऐसा कहा जाता है कि शादी के जोड़े भगवान ऊपर ही बना देता है, पर दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद शायद आप भी कहोगे यार भगवान भी ऐसे काम करने में शायद रुचि ना रखता हो। इस पृथ्वी पर करीब 200 देश है और उन देशों के अलग अलग कल्चर है। शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो शादी के बाद इस पवित्र बंधन पर कोई मुश्किल ना आए इसलिए दुनिया भर के लोग अलग अलग प्रथाओं का पालन करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले कुछ ऐसी रोचक प्रथाएं जो लोग शादी करने के लिए करते हैं। दोस्तों मैं हूं संदेश और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 11, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर काफी सारे धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पर शादियाँ काफी धूमधाम से की जाती है। पर शादी के समय लड़के और लड़की के गुण देखे जाते हैं और अगर लड़की का पत्रिका में मंगल होता है तो इसका मतलब उसके पति की अकाल मृत्यु हो सकती है। इस संकट को टालने के लिए पहले उस लड़की की शादी झाड़ से की जाती है और फिर उस झाड़ को काट दिया जाता है। ऐसा करने से उसके पति पर आने वाला मौत का संकट उस झाड़ के साथ चला जाता है, ऐसी मान्यता है। नंबर 10, अब बात करते हैं स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड में शादी करने से पहले एक काफी मजेदार प्रथा है। शादी के एक दिन पहले दुल्हन के दोस्त उसे घर से भगाकर ले जाते हैं और फिर उसे एक झाड़ से बांध देते हैं और उसके बाद उसे काफी भला बुरा कहते हैं। इसके बाद उसके ऊपर खराब मिल्क, फूड, फिश, डांबर डाल देते हैं। जितनी हो सके उतनी तकलीफ उस लड़की को दी जाती है। इस प्रथा के पीछे यह वजह बताई जाती है कि शादी होने के बाद वो लड़की आने वाली किसी भी मुश्किल का सामना डटकर कर सके। नंबर 9, चाइना में एक तुलजा नाम की जाति है। इस जाति में जिस लड़की की शादी तय होती है उस लड़की के शादी के तारीख से एक महीने पहले उस लड़की को रोज एक घंटे अलग अलग सुर में रोने के लिए कहा जाता है। पहले 20 दिन लड़की अकेले रोती है, पर जब शादी के लिए 10 दिन बाकी होते हैं तब उसके साथ उसकी माँ भी रोती है और जब शादी को 5 दिन बाकी होती है तब उससे रोने के कार्यक्रम में उनकी दादी माँ भी हिस्सा लेती है। ये रोने की प्रथा हंसने लायक तो लगती है और हम उसके ऊपर हंस भी सकते हैं, पर उन लोगों में ये एक आनंद जताने का तरीका है और एक प्रथा है। नंबर 7, जब फ्रांस में नई नई शादी होती है तब उस कपल को बड़े धूमधाम से घर के टॉयलेट के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद शादी में जो लोगों का खाना बचता है उसे टॉयलेट में डाला जाता है और फिर उसके अंदर पानी डालकर उसका जूस बनाकर उन्हें पिलाया जाता है। समय के साथ इस प्रथा में थोड़ा बदलाव तो आया है। अब खाने की जगह चॉकलेट और शैंपेन ने ले ली है, पर खाने की जगह टॉयलेट ही है। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि उन लोगों को पहले रात के लिए शक्ति मिल सके। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, टॉयलेट में जो टॉयलेट होता है वो नया होता है, ना कि हर रोज का इस्तेमाल करने वाला। नंबर 6, जब आयरलैंड देश में किसी की शादी होती है तब शादी के बाद वो कपल डांस करते हैं, पर डांस करते समय एक कंडीशन होती है, एट एनी हाउ कंडीशन, नाचते समय दोनों पैर जमीन पर ही रखने होते हैं। अगर आप अपने पैर जमीन पर नहीं रख पाते हैं तो बुरी आत्मा आपको उठा कर ले जाएगी, ऐसी मान्यता वहाँ पर है। नंबर 5, कोरिया में भी शादी का ट्रेडिशन काफी मजेदार है। शादी होने के बाद दूल्हे को जमीन पर लेटाया जाता है और उसके पैरों को मछली या गन्ने से मारा जाता है। इसके पीछे का कारण काफी मजेदार है, ऐसा करने से उसे पहले रात के लिए ताकत मिलती है, ऐसा कहा जाता है। अब ये कितना सच है कितना झूठ उसे ही मालूम है। नंबर 4, नीदरलैंड देश में लड़के अपने मनपसंद लड़के से शादी कर सकती है। एक बड़े से फंक्शन में जो लड़की शादी के लिए तैयार है वो पारंपरिक कपड़े पहनकर आते हैं, फिर ग्रुप डांस, विविध कला, स्टंट किए जाते हैं। फिर लड़की को जो लड़का सबसे ज्यादा पसंद आता है उसके साथ तुरंत ही शादी कर दी जाती है। तो यार आप मुझे बताओ कि आप किस किस का मन है नाइजीरिया जाने का। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री भी ट्रेडिशन के मामले में किसी से कम नहीं है। दक्षिण अमेरिका में शादी होने के बाद दूल्हा झाड़ू के ऊपर से उछलते हैं। कुछ साल पहले जब गुलाम होते थे तब अगर एक ब्लैक लड़की के साथ व्हाइट लड़की के साथ शादी करते थे तो ये उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत मानी जाती थी। अब गुलाम तो बंद हो गए पर ट्रेडिशन अब भी चालू है एक मजे के तौर पर। नंबर 3, अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर भागना जितना रोमांटिक लगता है असल में उतना होता नहीं है। फिनलैंड में हर साल एक कॉम्पिटिशन होता है जिसके अंदर पति अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर जीतने के लिए भागता है। क्या पता वैवाहिक जीवन का भार उठाना इससे ही कहते होंगे। नंबर 2, पापुआ न्यू गिनी नामक एक देश जहाँ पर एक आदिवासी जमात रहती है उन्होंने अपने यहाँ शादी की प्रथा नेचर से प्रेरणा लेकर रखी है। जिस तरह नेचर में नर मादी को अपनी ओर आकर्षित करता है उसी तरह वहाँ के पुरुष एक बड़े फंक्शन में पंछियों के पंख लगाकर पंछियों जैसा नृत्य करके स्त्री के सामने नाचते हैं। अगर उस स्त्री को आप पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो दूसरे स्त्री के सामने डांस शुरू। नंबर 1, अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग प्रथा के बारे में, अपने सपने में आने वाले लड़के से शादी करना। ये आइडिया आपको सुनने में कैसा लगता है? मुझे तो झूठ ही लगा, पर ट्रेडिशन अर्मेनिया देश में असलियत में है। एक खास दिन पर जो लड़की शादी के लिए तैयार है उसे नमकीन ब्रेड खाना होता है, उसके बाद उसे बिना पानी पिए एक नींद लेनी होती है और नींद में जो लड़का आए उसी के साथ उसकी शादी तय की जाती है। अब कोई सपना आता है या नहीं और सपना आने पर उसमें कोई लड़का आता है कि नहीं ये बस वो लड़की जानती है, पर ये ट्रेडिशन है और वहां से काफी सालों से चलता आ रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ मजेदार ट्रेडिशन।
हैं जो पूरी दुनिया में पाले जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इस वीडियो को 100 लाइक होते हैं तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएं, तो जल्दी से लाइक भी करो यार। शुक्रिया।